Xerography. Now we will discuss some of the applications of electrostatics. Electrostatics की बहुत सारी applications हैं. हम daily life में बहुत सारी जगहों पर electrostatics के principles इस्तेमाल करते हैं. जहां पर हम electrostatics को इस्तेमाल कर रहे हैं xerography या photocopying के process के लिए. इसके लिए हम देखते हैं कि xerography दो अल्फाज से मिलकर बना है. xeros दैट मींस ड्राई एंड graphos दैट मींस राइटिंग. सो xerography मींस ड्राई राइटिंग. हम देखते हैं कि फोटोकॉपिंग के प्रोसेस में एक पेज लिया जाता है जिसे फोटोकॉपी करना होता है, उसे मशीन में रखा जाता है, मशीन को बंद किया जाता है, बटन दबाते हैं और उसका प्रिंट हमें मिल जाता है. एक लाइट गुजरती और उसके बाद एक प्रिंट हमें मिल जाता है. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या रोल है उसे देखने के लिए हम सबसे पहले इस मशीन की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. इस मशीन का जो हार्ट है, जिस चीज पर यह मशीन बेस करती है, वो है एक ड्रम. और वो ड्रम एल्यूमिनियम का बना है. एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है. एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर सिलीनियम की चढ़ा दी जाती है. सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है. फोटो कंडक्टर क्या है? यह एक ऐसा कंडक्टर है जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्टर बन जाता है और जब डार्क हो, जब लाइट ना हो, जब अंधेरा हो, तो यह इंसुलेटर बन जाता है. यह कंडक्ट नहीं करता. अब यह काम किस तरह से करेगा? हम सिलीनियम की लेयर को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और जब लाइट पड़ती है तो फिर सिलीनियम कंडक्टर बन जाता है. नीचे एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जिस जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है, क्योंकि वो कंडक्टर बन गया है, उस हिस्से को न्यूट्रलाइज कर देता है. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ऑन द अदर हैंड, जिस हिस्से पर अंधेरा है, जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही, वो हिस्सा पॉजिटिव चार्ज के तौर पर ही रहता है क्योंकि सिलीनियम वहां पर इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है. दूसरी तरफ जो ड्राई ब्लैक पाउडर इस्तेमाल किया जाता है उस फोटोकॉपी को हासिल करने के लिए, उसे टोनर कहा जाता है. उस टोनर को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है. अब जब हम किसी भी चीज का प्रिंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये एक पेज है जिसके ऊपर लेटर ए लिखा हुआ है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, वो जो लाइट गुजरती हुई हम देखते हैं फोटोकॉपिंग के प्रोसेस में, उस लाइट का यही काम होता है. इस लाइट ने रिफ्लेक्ट करना है लाइट को उस सिलीनियम की लेयर पर. जो व्हाइट पोर्शन है वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो ब्लैक पोर्शन है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ब्लैक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है और व्हाइट बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है. तो जो सफेद हिस्सा है वो सारी की सारी लाइट को सिलीनियम की लेयर पर कंडक्ट कर देता है. उन हिस्सों पर सिलीनियम कंडक्टर बन जाता है और एल्यूमिनियम से आने वाला नेगेटिव चार्ज उस हिस्से को न्यूट्रलाइज कर देता है. जबकि जिस हिस्से तक लाइट नहीं पहुंची, जो हिस्सा ब्लैक था, उसने लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं की. जब रिफ्लेक्ट नहीं की तो लाइट सिलीनियम पर उस हिस्से की लाइट नहीं पहुंची, इसलिए वहां पर सिलीनियम इंसुलेटर होगा. अब जब यह ड्रम रोल होगा, टोनर से गुजरेगा, तो टोनर पर हमने पहले से नेगेटिव चार्ज दिया है. सिलीनियम की वो लेयर जहां पर लाइट नहीं पड़ी थी वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिल जाएंगे. इस तरह से वो हिस्सा जो ब्लैक था वो इस ड्राई ब्लैक पाउडर की वजह से हमें क्लियरली नजर आ जाएगा. और उसके बाद जब ये रोलर में से गुजरेंगे तो हमें एक परमानेंट इंप्रेशन मिल जाएगा.
रोलर उसे प्रेशर के जरिए हीट करके और इस प्रिंट को परमानेंट इमेज दे देगा।